Hey everyone, so this video is gonna be fun and very informative as well because इस वीडियो में मेनली मैं बताऊंगी कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये तो है कि हाँ वी हैव टू डू इट, लाइक आपको GRF करना है, आपको NET करना है, बट यू हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. तो ये वीडियो मेनली आप ही के लिए है जिसको भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है या फिर जिसको ये प्रॉब्लम है कि कहाँ से कितना एरिया कवर करना है, बिकॉज सारी चीज़ों को कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल और कवर करना पॉसिबल भी नहीं है. और बिना एक अप्रोच के अगर आप स्टडी कर भी रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि आपको कितना स्टडी करना है, राइट? क्योंकि इस तरीके पे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, स्मार्टली थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत होती है. तो दिस वीडियो इज़ गोना बी फन प्लस इन्फॉर्मेटिव एज वेल. वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानने को ज़रूर मिलेगा, राइट? सो सबसे पहले तो यही है कि जो भी स्टूडेंट हैं जो नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर GRF के लिए करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि ठीक है आपको करना है तो किस लिए करना है, ठीक है? कुछ होते हैं जो ये सोचते हैं कि हो जाएगा तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा डिग्री या फिर एक एक्स्ट्रा मार्कशीट आ जाएगी. और कुछ को होता है कि ये हो जाएगा तो दे कैन अप्लाई इन कॉलेजेस, और मे बी अगर GRF हो गया तो दे कैन अप्लाई फॉर PhD एज वेल. तो जिसके माइंड में भी PhD अगर है तो मेक श्योर कि आप अच्छे से कर रहे हैं और GRF के लिए टारगेट बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप नेट के हिसाब से करेंगे तो आपका जो सिलेबस है कम ही कवर हो पाएगा. लेकिन अगर आपने GRF के हिसाब से अपना टारगेट बनाया है तो नेट ईजिली निकल जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं होता है. तो ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पेपर वन में क्या क्या चीज़ें हैं. और कुछ या वन मोर थिंग कि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि जो पेपर वन का सिलेबस है ना एक बार वो डिस्कस कर दो. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है. वैसे ऐसा नहीं है कि किसी को सिलेबस नहीं पता है अभी, लेकिन जो भी अभी बिगनिंग पे है, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो ये बहुत एक अच्छा सही क्वेश्चन था कि एटलीस्ट हमारे पास एक फोकस हो कि हमें सिलेबस में करना क्या क्या चीज़ें हैं. क्योंकि ये तो बोल देते हैं कि ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड करना है आपको, DI करना है आपको, लेकिन उन टॉपिक्स के सब पॉइंट्स क्या क्या आपको कवर करने हैं तो आपको इन चीज़ों का भी एक आइडिया होना चाहिए. जो भी सिलेबस की वीडियो होगी मैं उसको नेक्स्ट में एक डाल दूंगी, जहाँ पे आपको ब्रीफली अच्छे से मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सब पॉइंट में कवर करनी है. तो ऐसा नहीं रहेगा आपको कि आप बस ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हैं. मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर करेक्शन वर्क एज वेल, आप उन्हें क्रॉस चेक भी कर रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, प्लस आपको पता भी रहेगा कि आपने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं. नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या क्या कवर करना है पेपर वन में. जैसे कि पेपर वन में आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपके पास रिसर्च है, ICT है, आपके पास DI है, मैथ्स है. मैथ्स तो खैर बेकार ही लगता है मुझे पर्सनली, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है. ठीक है, ऐसा है कि ठीक है काम चला हुआ आता है, बट मेरा मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा सब्जेक्ट नहीं था कभी भी. तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर मैं पर्सनली बोलूँ स्कोरिंग की बात कि क्या चीज़ें आपके लिए स्कोरिंग है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेपर वन जो है दिस इज़ द की. ठीक है, पेपर वन अगर आप स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं और आपको पता है कि उन 10 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में से 10 नंबर आपको मिलेंगे. वो भी तब जब आपको पता है कि उसका सिलेबस थोड़ा सा है, लाइक इतना बड़ा नहीं है. पेपर टू का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पेपर वन काफ़ी छोटा है उसके हिसाब से. और आपको पर्टिकुलरली पता भी है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कि मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं. आपको ये पता है कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. जैसे मुझे पता है मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो मैंने मैथ्स को छोड़ रखा था. मुझे पता है मैं कितना भी मैथ्स को टाइम दे दूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा. आ जाता है लेकिन पेपर के टाइम पे फिर मैं भूल जाती हूँ. तो मैंने मैथ्स को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ा था. पेपर से एक दिन पहले मैंने मैथ्स पढ़ी थी, वो भी पढ़ी क्या थी, सिर्फ फॉर्मूलाज देखे थे कि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो पेपर में कोई क्वेश्चन होगा तो वो निकल जाएगा. तो ऐसे ही होता है कि एक दो क्वेश्चन आपसे निकल जाते हैं मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. जैसे कि SI का SI का क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर करके जाना कि आपको पता हो किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं. अगर मैं स्कोरिंग की बात करूँ तो मेक श्योर 100% अपना दे देना DI के लिए. डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और इसमें आपको ऐसा पता है कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, कहीं नहीं जाने आपके. वो 5 जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए. DI का मैंने आपको जैसे बताया कि आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपको हर एक चीज़ आपके पेपर में मिली हुई है, आपको बस देखना है, उनको सॉल्व करना है. और जिनको भी DI में प्रॉब्लम है ना, ट्रस्ट में जब DI वाली क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, यू विल लव DI क्वेश्चंस,
रियली क्योंकि ना वो क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, पहले मुझे भी पसंद नहीं थे जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कि अगर इस बार पेपर में मेरा DI गलत गया ना, कोई और तो मुझे नहीं मारेगा, मैं खुद को ही मारने लग जाऊँगी। क्योंकि DI आप यकीन मानिए एक बार आपको आ गया मतलब आपके 10 मार्क्स कन्फर्म है, वो कहीं नहीं गए क्योंकि उसमें इतना कुछ होता नहीं है। वही आपसे परसेंटेज रेशो ही पूछेंगे, आपके पास डेटा सामने होता है, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। तो मेक श्योर कि आप DI को कर रहे हैं, उसे स्किप नहीं कर रहे हैं, और जो भी अगर हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब DI की बारी आएगी तो मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मैथ करूँ तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग एरिया है पेपर 1 का, तो वैसे तो सारे ही सही है, मतलब इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि कम्युनिकेशन ईजी बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन में से मेनली वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं कि यहाँ पे नॉइज़ है, यहाँ पे वो है, तो कम्युनिकेशन के हिसाब से बताओ बैरियर कहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ, या फिर कोई चेन दे देते हैं कि ये यहाँ का सेल्स मैनेजर है, ये यहाँ का मैनेजर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, तो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। कम्युनिकेशन भी सही है, लेकिन अगर आपको स्कोरिंग के लिए मैं बताऊं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मतलब ऐसा है कि आते ही आते हैं, जैसे कि रिसर्च का क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर मैक्सिमम आ ही जाता है, लगभग हर बार पूछ लेते हैं। उसको छोड़ के लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है लॉजिकल रीजनिंग, लेकिन इसमें जो हमारा इंडियन लॉजिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। इंडियन लॉजिक मैं सही बोलूँ तो ऐसा है कि आपको रटना पड़ेगा, आप समझ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको टर्म्स रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि मिडल टर्म सही है लेकिन इसकी फैलेसी है, उसकी फैलेसी है। तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगी अगर आप उसे देखोगे, या फिर अगर आप खुद भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक से फॉलो कर रहे हो, नो वरी, आप अच्छे से उसे कर लेना। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ना एक ऐसी चीज़ है कि जब तक नहीं आ रही है तब तक हार्ड लगती है, लेकिन अगर आप को एक बार समझ में आ गया कि मिडिल टर्म क्या है, आपका प्रिमाइस रॉन्ग कैसे हो सकता है, या फिर कौन सा प्रिमाइस सही होता है, साउंड और अनसाउंड लॉजिक क्या है, तो आपको इसमें आने लग जाएगा मज़ा। और अगर एक बार आपको मज़ा आने लग गया DI में, लॉजिकल रीजनिंग में, मज़ा आ जाएगा आपको, देख लेना। और या जो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि बहुत हार्ड है, जो एक क्यूब आता है हमारे लॉजिकल रीजनिंग में, वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग में, जिसे हम कॉन्ट्रोडिक्शन भी बोलते हैं, क्यूब ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन या फिर स्क्वायर ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के पेपर में वो नहीं आया था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो क्वेश्चन आता ही आता है कि अगर ए और ई रॉन्ग है तो कौन सा आप 100% बोल सकते हो कि कौन सा फॉल्स होगा, तो वो क्वेश्चन आते हैं। इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रखा था, मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा स्लाइटली, क्योंकि इस बार इंडियन लॉजिक भी नहीं आया था, जो मैं बोल रही थी अभी कि इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक है, तो इंडियन लॉजिक भी इस बार नहीं आया था, जो कि बार बार रिपीट हो रहा था लास्ट ईयर में कि अगर ऐसा है मतलब मिडिल टर्म फैलेसी है तो कौन सी चीज़ें होंगी। आप देखा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने देखा हो कि असीदा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हेतुभाष है, जो क्योंकि इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक में ऐसे ही टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, तो वो चीज़ें भी हैं। हाँ, मैं उनको समझा बहुत अच्छे से दूंगी अगर आप देखोगे वीडियोज़ को तो, और अगर आप खुद भी समझ रहे हो तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नोट्स की कि नोट्स कैसे बनाना है, किसी ने मुझे बोला कि आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, मेरे को मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि आपके नोट्स कैसे बनाए थे आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नोट्स के लिए कुछ अलग ही आपको करना है, बस आपको समझ में आना चाहिए आप इस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। कुछ लोग होते हैं पूरी रामायण लिख देते हैं, क्लास ले रहे हैं पूरी पूरी रामायण लिख रहे हो, अरे लेकिन उस रामायण को आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। और कुछ होते हैं जो नोट्स बनाते ही नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अब आप खुद सोचो कि आपने कोई वीडियो बनाई है या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपने नोट्स नहीं बनाए, आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी, लेकिन ये एक क्लास नहीं है, नियरली एक टॉपिक की, एक सब टॉपिक की आपको लगभग अगर मैं पेपर 1 की बोलूँ तो एक टॉपिक की नियरली 20 वीडियोस बनेंगी। 20 वीडियोस के बाद आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी भी नहीं कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं या फिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमें बुक में ही मिल जाएंगी, तो हमें नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसका फ़ायदा यह होता है कि बुक्स में वो चीज़ें हैं, मुझे पता है वो चीज़ें बुक्स में भी हैं, लेकिन जब आप नोट्स को प्रिपेयर करते हो, जब आप लिख रहे हो ना, तब आप
उन चीज़ों को जब लिखते हो तो ऐसा तो है नहीं आप ब्लैंकली बिल्कुल लिख रहे हो, आप कुछ सोच नहीं रहे हो, बस टेप रहे हो, आप वहाँ पे कॉन्शियस हो, आप वहाँ पे समझ रहे हो कि क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, आप उनको ध्यान से लिख रहे हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जो चीज़ें मैंने लिखी होती है अपनी कॉपी में या फिर मैं जिन्हें नोट डाउन करती हूँ वो चीज़ें मेरे माइंड में रह जाती हैं। लाइक कभी कभी पेपर में ध्यान आता है कि हाँ मैंने इस पेज पे ऐसा कुछ लिखा था, मैंने इस लेफ्ट हैंड पे कुछ लिखा था, तो वो चीज़ें कभी कभी माइंड में रह जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो या फिर आप कौन से रीडर हो, आप विजुअली चीज़ों को ज़्यादा समझते हो या फिर सुन के समझते हो। लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरी नोटबुक ये रही जो मैंने पेपर वन के लिए लगाई थी, आप देख सकते हो, मतलब मैंने 1, 2, 3 ये सब इसमें लगा के 10, 9 की होंगे क्योंकि एक यूनिट तो पैसेज आता है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है, एक यूनिट पैसेज का निकल गया उसको छोड़ के मैंने इस बनाया था, आप देख सकते हो इतना मोटा है। तो ऐसा है कि टाइम तो लगता है बनाने में, काफ़ी सारा टाइम आपको लग जाएगा बनाने में, नोट्स प्रिपेयर करने में, लेकिन वो यूज़फुल होता है क्योंकि आपने वो चीज़ें खुद बनाई हैं। अब मैं आपको ना एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ मेरी मैथ्स की, मैंने अगर बोलूँ तो मैंने आपको बोला जैसे कि मैथ्स मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ और मैंने मैथ्स के कितने नोट्स बनाए हैं, ये मुझे लगता है 10 के अराउंड पेजेस होंगे बस। वो भी क्या है, इसमें मैंने सिर्फ सिंपल चीज़ें करी हैं, बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती है मैथ्स में मैंने उनको किया था बस, और कुछ भी नहीं किया था। अगर आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कितना ही सिंपल है सब्सट्रैक्शन, और वैसा वाला सब्सट्रैक्शन नहीं, अगर टर्म्स में आ जाता है उन सबको कि अपॉन में है उसके में या फिर परसेंटेज निकालने का, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आती नहीं है पर सामने होना ज़रूरी है क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस में रहोगे तो क्या ही होगा, क्योंकि ये लगता है कि हमें आता है लेकिन पेपर में भूल जाते हैं, मेरे पास तो यही होता है। मैंने सबकी बस एक ही वो करी थी कि रेशो के बारे में जो चीज़ें हैं मुझे पता है तो मैंने रेशो के बारे में थोड़ा सा लिख दिया ताकि रेशो से रिलेटेड कुछ आए तो मुझे थोड़ा सा पता हो, एवरेज है तो एवरेज के बारे में थोड़ा सा एक पेज का 2 पेज का नोट्स बना लिया, उतना बहुत है इतना। अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट का आता है बहुत ज़्यादा पेपर में, तो वो आप देख लेना कि आप SI को अच्छे से कर रहे हैं या फिर CI को अच्छे से कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो मेक श्योर कि आपको ना सबके फॉर्मूलाज पता हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिख रखा है सिंपल इंटरेस्ट का या फिर प्रॉफिट का लॉस का, तो इन सब चीज़ों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बस ये मैथ्स मेरी इतनी थी, मेरी इतनी मैथ्स ख़त्म हो गई क्योंकि मैथ्स तो ऐसा ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड इंटरेस्टिंग है, किसी को ये है कि कैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे आपने, तो आई विल शो यू। देखो आई थिंक थोड़ा बहुत विजिबल है, या वन मोर थिंग, जब आप नोट्स बनाते हो ना तो लास्ट में क्लास के लास्ट में एक पेज छोड़ दिया करो, एक साइड का एक पेज बहुत है एक क्लास के बाद में, कि अगर आप एक भी पेज नहीं छोड़ोगे, आपने पूरा फिल कर दिया एकदम बिल्कुल अच्छे से फुल करके अपने नोट्स बनाए हैं, अब अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी और आपको कुछ नोट डाउन करना है, आपके पास स्पेस नहीं है, फिर आप अपने स्टिकी नोट्स निकालोगे चिपकाओगे, स्टिकी नोट्स निकालोगे चिपकाओगे, आपकी कॉपी इतनी कलरफुल लग जाएगी देखने वाले मुझे, अरे तो बहुत पड़ता है, फिर वो और लग जाएंगे, अरे तेरा हुआ नहीं क्या, फिर वो अलग से शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि एक पेज छोड़ दो आप, क्योंकि आप PYQ भी करोगे, जब आप PYQ करोगे तब आप एक चीज़ अपनी स्ट्रेटेजी रखो कि PYQ में जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं उसको पीछे नोट डाउन करते चलो, तो इससे फ़ायदा होता है आपको कि पेज भी आपका ख़राब नहीं हो रहा है, आपको स्पेस भी मिल रहा है। और DI में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बाइनरी है या फिर नंबर सिस्टम जो है DI का, इस बार भी क्वेश्चन आया था DI में, इसमें मैलवेयर है, तो वो चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है इसमें क्योंकि ये तो बहुत लंबा टाइम है, नियरली आपको 6 मंथ का टाइम लग जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो, 6 मंथ अराउंड तो आपको कन्फर्म ही लगने वाला है। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है 6 मंथ के अपने टारगेट लाइन देख लो कि हाँ वहाँ वाला जो पेपर होगा आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर लेके आना, परसेंटाइल लेके आना है, जिसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रखी है तो भी उनके लिए भी सही है क्योंकि एटलीस्ट आपको कुछ तो पता है। लेकिन एक चीज़ ये बोलूँगी मैं, जिसने अभी बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी 0 से स्टार्ट किया था, हमें
तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमने ग्रेजुएशन ऑनर्स में कर ली है, हमने मास्टर्स भी पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट में कर लिया है तो हमें सब आता है, तो ऐसा नहीं है। और कभी भी लो डाउन या फिर लो फील मत करना कि हमने ग्रेजुएशन नहीं करी है ऑनर्स में, या फिर रेगुलर बेसिस पे नहीं करी है, या फिर मेरी मास्टर्स रेगुलर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, आई रियली मीन इट, कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया था। हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, आपने जो मास्टर्स में पढ़ा है, वो चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं। जैसे किसी ऑथर का नाम है, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, क्योंकि 5 साल सेम फील्ड में रहने के बाद आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हो नेट के लिए, तो आपको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। अगर मैं अपने पेपर 1 पेपर 2 की बात करूँ, तो पेपर 2 में मैंने कुछ टर्म्स की भी वो बनाई थी। ये तो फ्रंट पेज पे मैंने कुछ कीज़ लिख रखे हैं या फिर नेम लिख रखे हैं। ये मेरा लास्ट पेपर का था जब मैं पेपर दे के आई थी, मार्च में जो हुआ था 23 में। फर्स्ट शिफ्ट था मेरा कि कौन कौन से ऑथर्स पूछे गए हैं बार बार, क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। एलिगरी से मैंने फर्स्ट वो स्टार्ट कर रखा है, जो टर्म्स वाला मेरा पेपर था, जहाँ पे आप कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एलिगरी किसी को नहीं पता, सबको पता होती है, लेकिन फिर भी आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, ताकि पेपर में ऐसा नहीं होता है कि आपको बोला कि एलिगरी बताओ, कौन सा वाला एग्जांपल एलिगरी का है, वहाँ पे आपको एक टर्म दे देंगे, एक लाइन दे देंगे, आपको बता बोलना होगा या फिर आपको बताना होगा कि क्या है एलिगरी है या फिर कौन सी चीज़ है। तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी टर्म पता हो, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन पता हो, तो और ये कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हो सके। जैसे कि मैंने एलिगरी लिखा है, तो मैंने उसमें एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे प्लेटो की केव की जो है, केव का आइडिया है वो एलिगरी में आता है, या फिर पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो भी हमारा एलिगरी के एग्जाम्पल में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। उसको छोड़ने के बाद लैंग्वेज वाला जो मॉड्यूल है आपका, जहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ठीक है, मतलब जो भी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, वो क्या क्या होती हैं, लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, लैंग्वेज शिफ्ट कैसे हो रही है, फोनोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। प्लस हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जब हम इंग्लिश की ये वाली बात कर रहे हैं, इस टॉपिक की, इस मॉड्यूल की, कि आपको मॉड्यूल्स वो आपको डिक्शनरी पता होनी चाहिए कि कौन सी डिक्शनरी कब आई थी, मीनिंग कुछ फेमस डिक्शनरीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उन सब की भी वीडियो बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रही हूँ। आई विल मेक वीडियो ऑन एवरी टॉपिक जो कि मैं बोल रही हूँ। ये तो था, और जिसको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ने से भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ये 3 कॉपियाँ हैं जो कि मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे, बुक्स अलग होती हैं, डायरी अलग होती है, जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करते हो, क्वेश्चन पेपर करते हो। क्वेश्चन पेपर के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आई थिंक मार्केट में है, मैंने भी एक परचेज करी हुई है। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लूँगी सारी बुक, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ। आप कोई भी बुक परचेज कर लो जो जिसने भी क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, और अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते हो, तभी भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं एक ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, और वो गवर्नमेंट की ऐप है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का प्रमोशन हो रहा है। UGC की अपनी एक वेबसाइट है, अपनी एक ऐप है, आप वहाँ पर जाओगे, UGC पेपर डालोगे, UGC नेट, आपको एक ऐप मिलेगी, आप उसे डाउनलोड करो, उसमें मुझे लगता है 2019 तक के पेपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ तक के आप रिवाइज़ कर लो, उसके बाद के कुछ पेपर्स आप प्रिंट आउट ले लो, या फिर आप उनको निकलवा लो, हैंड रिटन ले लो, एक्सचेंज कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, मैनेज कर लो। और जिसके बाद कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो चैनल पर रुके रहना, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स मेरे पास है ऑलरेडी, इसमें बहुत सारे मैंने पेपर्स हैं जो कि बुक में नहीं थे, क्योंकि बुक भी हर साल प्रिंट होती है, तो हर साल तो हम नई बुक्स नहीं परचेज कर सकते ना, तो इसे बहुत सारे पेपर है मेरे पास, तो मैं सब पे वीडियो बनाऊंगी 1 बाय 1, सारा सिलेबस कवर होगा इस पे 1 बाय 1। और जो भी है, जो भी पढ़ना चाहता है, मेक श्योर कि आप डेडिकेटेड हैं, क्योंकि बिना डेडिकेशन कुछ नहीं होगा। आपको डेली पढ़ना है, आपको वीडियो देखनी है, आपको बुक पढ़नी है, आपको दिन में एक आधा DI लगाना है, इस तरीके से आपके 5 नंबर बन जाएंगे। DI आप रोज़ लगाओगे, 10 नंबर का DI आता है, कम से कम कुछ तो कंफर्म होगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा ठीक होने ही वाला है, कंफर्म होने वाला है। सो या मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे कि उसको कौन कौन सी यूनिट कैसे कवर करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई थी, आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।